मेरे मित्रों, परमेश्वर आपकी ढाल ठहरेगा। He is there to protect you and guide you. आपकी रक्षा करने और अगुवाई के लिए उपस्थित है। I know no harm can touch you. मैं जानता हूँ कोई हानि आपको न छुएगी। Today, 2 Timothy 4:17 says. आज दूसरा तिमोथी 4:17 जो है कहता है। The Lord stood by me and strengthened me. प्रभु मेरा सहायक रहा और उसने मुझे सामर्थ्य दी। And so that through me the message would be fully proclaimed. ताकि मेरे द्वारा संदेश का पूरा पूरा प्रचार होने पाए। God's servant Paul says there were many people who tried to cause me harm and shut me up. पौलुस जो परमेश्वर का दास था कहता है कि बहुतों ने मेरी हानि की सोची। They tried to give me trouble so that the message would not go through me. उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरे द्वारा प्रचार का काम जो है वो रुक जाए। But God stood by Paul and strengthened him and protected him. लेकिन परमेश्वर पौलुस के साथ खड़े रहे, उसकी रक्षा करते हुए उसे बलवंत किया। So that the message of the gospel would keep on going. ताकि सुसमाचार का संदेश जो है वो निरंतर जाता रहे। Are you saying that people giving me trouble? क्या आप कह रहे हैं कि लोग जो है मुझे परेशान कर रहे हैं? People are putting me down and that is discouraging me. लोग मुझे नीचे गिरा रहे हैं और उससे मैं निराश हूँ। I am not able to minister. I am not able to pray for somebody. I am not able to be useful to anyone. न मैं सेवा कर पा रहा हूँ, न मैं किसी के लिए प्रार्थना कर पा रहा हूँ, न मैं किसी की कोई सहायता कर पा रहा हूँ। Today God is going to stand by you and strengthen you Himself. आज परमेश्वर स्वयं आपके बगल में खड़े होकर के आपको बलवंत करेंगे। Filling you with His Spirit. आपको अपनी ही आत्मा से भर देंगे। And making sure the message keeps on going through you. और ये निश्चित करेंगे कि आपके द्वारा प्रचार चलता रहे। Keep on giving the word of God. आप परमेश्वर का वचन बांटते रहें। Keep on encouraging people. आप लोगों को निरंतर ढाल। Keep on praying for somebody. किसी के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। Keep on loving somebody. किसी से हमेशा प्रेम करते रहें। That is our strength, my friend. यही तो हमारा बल है मेरे मित्रों। That is the strength with which we move forward. यही वो बल है जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। Then God's life-giving power keeps on flowing through us. उसके बाद हमारे द्वारा जीवन देने वाली शक्ति हमसे बहने लगती है। It enriches us also. और वो हमको भी जीवंत करती है। That is why my grandfather and our family members always keep on testifying what the Lord has done. इसलिए हमारे दादा और हम पूरा परिवार ईश्वर के कामों की गवाही देते रहे हैं। In all our messages, it is about our life's testimony. और हमारे हर एक संदेश में हमारे जीवन की गवाही होती है। We keep on sharing that testimony to all people. हम अपनी गवाही हर एक के साथ बांटते फिरते हैं। From our sickness, we have shared that God has healed us. जैसे हमारी बीमारियों से हमने कहा कि परमेश्वर ने हमें चंगा किया। Through our financial difficulty, God has raised us up. हमारी आर्थिक समस्या से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। And through our sinful temptations, God has made us conquer it. और हर एक पाप की परीक्षा से परमेश्वर ने उस पर हमें जयवंत किया। Yes, share your testimonies also. हाँ, आप अपनी गवाहियां भी बांटे प्रियो। Keep on sharing it. उसे बांटते ही रहे। God strengthens you so that you can share the message of God. परमेश्वर आपको बलवंत करता है ताकि आप परमेश्वर के संदेश को बांट सके। Not to do anything else. आपको और कुछ नहीं करना है। So keep on proclaiming the message of God. इसलिए परमेश्वर के संदेशों को आप बांटते ही रहे। God wants you to be a blessing to somebody every day. परमेश्वर चाहता है कि आप प्रतिदिन किसी के लिए आशीष का कारण हो। He will strengthen you to do so. ऐसा करने के लिए वो आपको बलवंत करेगा। Shall we receive that strength from God now? आइए इसी समय उस बल को हम परमेश्वर से पाएं। Loving Lord, प्रेमी प्रभु जी, make me a messenger of your peace. मुझे आपकी शांति का एक दूत बना। Messenger of your love. आपके प्रेम का एक दूत बना। Lord, help me bring the right word to your people. सही वचन आपके लोगों के लाने के लिए सहायता करें। Every day. प्रतिदिन। Strengthen me, Lord. आप मुझे बलवंत करें प्रभु। To proclaim your message. आपके संदेश को बांटने के लिए। To proclaim your power. आपकी सामर्थ्य को बताने के लिए। Help me pray for people. लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए सहायता। Help me encourage them. उन्हें ढाढ़स देने के लिए सहायता। Help me testify and bring hope to people. गवाही देकर के लोगों के लिए मैं आशा लाऊं। And to show your power to them. और उन्हें आपका बल सामर्थ्य दिखाऊं। Make your children useful in such a mighty way, Lord. अपने बच्चों को ऐसे सामर्थ्य रूप से प्रभु उपयोगी बनाएं। Help them to build lives. कि वो दूसरे के जीवन को बनाएं। You're interested to use them, Lord. आप चाहते हैं कि उन्हें आप काम में लाएं प्रभु। To build up so many people. कि वो बहुतों को जीवन दें। I know through their one word, through their one action, many lives
will be built. मैं जानता हूँ कि एक शब्द के द्वारा, एक कार्य के द्वारा बहुत से जीवन जो है वो स्थापित होंगे. And through them it will multiply. और उनके द्वारा से वो बहुगुणित होगा. Master, help us be such a blessing. स्वामी हमें ऐसी आशीष बनने में सहायता करें. Let your message continue to go forth through us. और आपका संदेश हमारे द्वारा से फैलता रहे. Heal your children so that they can spread your message. आपके बच्चों को आपके संदेश को फैलाने के लिए चंगा करें. Lift them up out of their sorrow, Lord. उनके दुख से उन्हें आप बाहर उबारें. Give them the strength, Lord. आप उन्हें बल दें. Protect them, Lord. उनकी रक्षा करें प्रभु. To speak your message. कि वे आपका संदेश कहें. We receive your strengthening. हम उस बल को स्वीकारते हैं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. My friends, God's strength has filled you. मेरे मित्रों, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको भरा है. Boldly go and proclaim His message. इसलिए साहस के साथ उसके संदेश का प्रचार करें.